ये था क्या? रिजेक्ट वहीं पे तो पी लाऊंगा इसको। ये भी नहीं है क्या नीचे? शायद वो अंडरग्राउंड है यार। अंडरग्राउंड में कैसे जाऊं मैं? बेचारे निर्जीव वस्तु को मार गया। सॉरी निर्जीव वस्तु नहीं, मतलब निर्दोष प्राणी को मार गया। माई मिस्टेक। खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। वैसे मेरे को यार पहले तो अपनी गाड़ी उठाते हैं, सबसे पहले ये वाली आई थिंक चलनी चाहिए। बहुत बढ़िया चल रही। तो यही वो गाड़ी थी जो मैं पहले मिशन खेला था। ये यार अब यहाँ जाना था मैंने, लेकिन यहाँ नहीं जा पा रहा। इसके लिए कोई जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। आता हूँ इधर से। तो हम लोग आ चुके हैं बैकयार्ड में भाई। इस गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ये नहीं चल पाएगी। पूरा टायर गंजा हो गया इसका एक, आई थिंक। मुझे देखता हूँ देखता हूँ यार, टायर तो मेरे को सही लग रहा है, फिर प्रॉब्लम किधर है? ये आई थिंक ये टायर ख़राब है, ये देखो। हाँ तो चलो रोड पे चला के देखता हूँ, अगर रोड के लिए सही होगी तो फिर समझ लो कि हाँ यार रोड पे तो परफेक्ट चल रही बॉस। रोड पे तो एकदम मक्खन चल रही गाड़ी, तो समझ लो कि ये गाड़ी मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। मतलब ये इसको हम रोड पे ही चला सकते हैं। तो यही मेरे को समझ में आया इस चीज़ से। बाकी ऐसे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं GTA में, रियल लाइफ में नहीं भाई। रियल लाइफ में करोगे ना साला जान से हाथ धो बैठोगे भाई। ये कहाँ यार, ये बंदे है कहाँ? अरे मैं ठीक है इसके ठीक ऊपर लैंड करूँगा, ठीक है।